चंदू, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, आपको पता अपनी बुरी नहीं है जो? हाँ? वो मेरे साथ सेट नहीं हो रही। कब से सेट नहीं हो रही? वो तो मैंने एक आइडिया सोचा है। बता। मैं सोच रहा हूँ कि उसको वशीकरण की विधि से ना अपने बस में कर लूं। तो कोई तांत्रिक जानता है आपको? नहीं। जानते ही होंगे, नहीं तो ये कुर्सी तो बिना जादू टोने के मिलती नहीं। सही कहा है। अगर मेरी बूरी के साथ शादी हो जाए मेरी तो लाइफ सेट हो जानी है। उसका क्या होगा लेकिन? अरे वाह क्या बात है, बिना बरसात के मेंढक काफी खुश लग रहे हैं। सपना, मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैं भूरी के साथ शादी करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। बीच में कोई भी अड़चन आएगी मैंने उसको हटा देना है बस। अड़चन मतलब अड़चन पूरन सिंह को हटा देगा। इसको पक्का सिद्धू जी ने पैसे खिलाए। हाँ। पक्का कंफर्म है, कंफर्म। अर्चन पूरन सिंह नहीं होती। अच्छा, हाँ मेरी कुंडली में दोष है। मेरे को पंडित ने बोला है कि पहले तुम पेड़ से शादी कराओ फिर तुम्हारी शादी भूरी के साथ हो सकती है। अरे तो पेड़ भी तो राजी होना चाहिए ना तेरे साथ शादी करने के लिए। एक बात बताऊं, पेड़ से कोई पंगा मत लेना, उन लोग की बहुत ब्रांचेज रहती है। अच्छा, हाँ। इसीलिए मैं अपना पेड़ साथ में लेकर आया हूँ। इस पेड़ से शादी करेगा ना तो बाल विवाह में अंदर हो जाएगा तू, समझा? एक काम कर, सुन, तू ये वाले पेड़ से शादी कर, ये बिल्कुल तेरे जैसा है, ये भी भारी पड़ा रहता है। मनुष्यत का टाइम निकला जा रहा है, अब मतलब मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, जल्दी कर। चल ठीक है फिर, फटाफट मंत्र पढ़। मैं मंत्र पढूं? मैं फिर लेता हूँ। हाँ जल्दी। हटा सावन की घटा खा कुजा बत्ती बुझा के सोजा मंटी पे खड़े ली आंटी बजा ली बार बार घंटी सब सही है दूध दही है मावा मस्का उसी का चस्का जिंदगी की बाटे खाने वाले आटे मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मैं चाहे यहाँ जाऊँ मैं चाहे वहाँ जाऊँ। हो गई शादी। देखा तूने तेरी शादी से अर्चना जी कितनी खुश है, आज पहली बार फेफड़ों से हंसी है देखा। My God, so scary. सपना, ये अर्चना जी की ऐसी नहीं लग रही, ये तो किसी भूत प्रेत की ऐसी लग रही है। अरे तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो अंदर ही रहना, खबरदार जो बाहर आई तो खबरदार। अबे तू कंफर्म तो कर, तू किस पे हंस रहे लिए? कहीं इसको गलत फहमी ना हो जाए कि ये अच्छा कर रहे ले। मेरा यहाँ सबको पता है, तू ही यहाँ पर नहीं आई है। मैं नहीं आई है, अगर तू ठीक करता होता ना तो मेरी जरूरत नहीं पड़ती शो पे। तू डर मत, मैं एक बहुत बड़े बाबा को जानती है, उसको मैं भी बुलाती है। जल्दी बुलाओ। हाँ। टुम्बक टुबाक टुम्बक तू टुम्बक टू आजा जल्दी बाबा ब्लू आजा जल्दी बाबा ब्लू। बस करो भी बस करो। हाथ से पकड़े बिजली की तार, बाबा ब्लू की जय जयकार। गैस को भगाए चुटकियों में यार, बाबा ब्लू की जय जयकार। हाय बाबा, बाबा मैं सपना। ओए ओए भी बड़ा डरावना सपना है। तो आप भी कोई ऋतिक का रोशन नहीं लग रहे ले आप। बाबा आपको मालूम है इधर बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। भाई मुबारक हो, किस पे गया है लफड़ा? तुम पे गया है या तुम्हारी पत्नी पे गया है? ओहो बाबा जी कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो ये कुंवारी है। भाई कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो मरोगे भी कुंवारी ही। ज्यादा हंसी ना तो डुक्कर की तरह तुम लोग को भी धो डालेगी दो मिनट में मैं। ओहो भाई इनसे तो मैं मिलवाना ही भूल गया। भाई ये है हमारी चेली नाकचिड़ी, ये है चिड़चिड़ी, लड़कियां दो है, ग्लैमर का दोनों में बेड़ा गर्क है। हाँ कौन?
बाबा जी विराट का फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाँ भी कोहली, हाँ देखो वर्ल्ड कप तुम ही जीतोगे, हाँ बस सचिन से कहना टेकर खेले, हाँ वो नहीं खेल रहा, जरूर तुमने उसको कुछ ना कुछ कहा होगा। हाँ अरे क्या बकवास है, सचिन सर तो रिटायर हो चुके। भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया, हमको देखो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। और बाबा जी क्रिकेट खेलने की एक उम्र होती है। प्यार में उम्र नहीं देखते बालक। अरे क्रिकेट में प्यार कैसे आ गया भाई, क्रिकेट में ही तो प्यार है, सारी अच्छी अच्छी लड़कियां तो क्रिकेटर से शादी कर रही हैं, हमारे पल्ले तो फिर नकचड़ी और चिड़चिड़ी रह गई है भाई। हाँ क्योंकि क्रिकेट में पैसा बहुत है और प्यार भी बहुत है, और आजकल तो प्यार भी पानी की तरह बरस रहा है, और पानी तो इतना बरस रहा है समझ में नहीं आ रहा है वर्ल्ड कप हो रहा है कि वाटर कप हो रहा है। अब बाबा जी यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। शुरू से बताओ। हाँ आज से 11 साल पहले हमने कॉमेडी सर्कस चालू किया था, वहाँ पर भी ऐसी हा 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 करके हंसती थी। इतना शुरू से नहीं बताना है मूर्ख औरत, तुम तो डिटेलिंग में चली गई हो। जैसे तुम्हारे गुण है मैं तुमको एक बार बताता हूँ। हाँ? तुम कभी शादी के बाद हनीमून पे मत जाना। क्यों? क्योंकि होगा कुछ नहीं, लड़के के पैसे वेस्ट जाएंगे। हाँ वाह भाई वाह भाई, मौसम कितना अच्छा है, कोई चाप कोटम गाओ भाई। अच्छा पुदीने की चटनी भी लाऊं साथ में भाई? लानी है तो लहसुन की लाओ भाई, पुदीने की हमें मना है, समझ में आया? माँ की दीनी दीनी मैनी दीनी ये है, इसने इस पेड़ से शादी कर ली मालूम है भाई? क्यों पेड़ों की नस्लें खराब करने में तुले हो गलत मनुष्य। तुम्हारा जैसा किसी ढोंगी बाबा ने मेरे को ये आइडिया दिया था। खबरदार जो बाबा को पखंडी कहा तो, बाबा जी 100% ऑथेंटिक है। बिल्कुल नक्सली, बिल्कुल सही कहा, अगर हमको दोबारा ऐसी बात कही हम गुस्से में आके बूम चले जाएंगे हम। नहीं, बता रहे हैं हम। हाँ ये देखो बाबा के ब्लू टिक, बाबा वेरीफाइड है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है यार, हमको पता नहीं था यार कि हमारा मोहल्ला में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है। वाह भाई वाह, इतने ज्यादा आदमी, कौन हो तुम? हम बच्चा हैं। कौन से जानवर के? बहुत अच्छे। अरे वो नील में डूबे हुए कौवे। हम बोल रहा हम बच्चा यादव हैं। अच्छा हाँ 11 बच्चों के बाप हैं हम। अच्छा। अरे कहाँ से पकड़ के लाओ यार, ये क्या है ये चीज़? बाबा ये बहुत बड़ी ओए कुंभकर्ण के तौलिए। वाह भाई, बाबा को इसलिए बुलाया क्योंकि सोसाइटी में भूत आया हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, भूत भूत कुछ नहीं होता है, जो है वर्तमान है और भविष्य भी एक कल्पना है। ऐसी बात नहीं है, सिद्धू जी भूत हैं, अर्चना जी वर्तमान है, और भविष्य में क्या होगा और कौन निकलेगा वो चैनल को बताया, हमको नहीं पता। हम बता रहे हैं बाप बाबा जो एक ही लाइन में सारे काल इकट्ठे करके जो भौकाल मचाए ना, आप नाला सुपारा के मुंशी प्रेमचंद जरूर बनोगे एक दिन। किस आदमी को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो यार, ऐसे लोग होते हैं साबुन बेचने के बहाने घर में घुसते हैं, लूट के चले जाते हैं। बाबा ज्यादा बकवास नहीं करनी, नहीं तो मंत्र मार के बोतल में कैद कर लेंगे। ये पतीले में पूरा नहीं आता, बोतल में कैसे आएगा? अरे ऐसी बात नहीं है, एक बार बाबा जी ने इतनी बड़ी नागिन पकड़ ली थी। हाँ चंगा में नहीं भाई, शादी में। हाँ एक औरत नागिन बन के नागिन नाच कर रही थी, हमने जाके पकड़ लिया, हालांकि पकड़ा हमने औरत को लेकिन नीला उसके पति ने हमें मार मार कर दिया था। बहुत ज्यादा मार पड़ी थी। बाबा जी ये सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि आप भूत प्रेत काबू कर लेते हो कि नहीं कर लेते? ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो एक बार ड्रैकुला पकड़ लिया था लेकिन भाग्या। क्यों? क्योंकि ड्रैग खुला था। ये तो कुछ भी नहीं, एक बार हमारा जिन से पाला पड़ गया था, यहाँ हम सामने जिन। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हमने जिन की पूरी बोतल डाल ली जिन पेट में। हाँ हमने तो एक और भूत पकड़ा था, हम आपको बता रहे हैं। हाँ ये देखो भाई, ये देखो। अरे ये क्या, ये तो लंगोटी है। हाँ तो भागते हुए भूत का लंगोट पकड़ा हमने भाई। अब भूत को इतनी शर्म आ रही है, भूत सामने नहीं आ रहा है। क्या है क्या है? इधर नहीं भाई, कौन है ये बातमी जो हमको डरा रहा है, इसको बता दो, अगर हमारा रोना निकल गया
हम फिर बिना लॉलीपॉप लिए नहीं मानेंगे। बाबा जी, बाबा जी, कौन? ये भूत के टेडी मेरे बाबा जी, कुछ कीजिए बाबा जी। भाई भूत भाई साहब, आपका टेडी बियर गिर गया है, घबराने कोई जरूरत नहीं, हम इसको खिला रहे हैं। भाई आले ले ले ले, भाई आ, ओहो बड़ा प्यारा है। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, मगज मारी मत करो, जल्दी बुलाओ वरना मैं किसी और बाबा को बुलाएगी। अच्छा अभी करते हैं भाई, भाई कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ। हाँ राजा ऊ, राजा आ, भाई राजा ऊ, राजा आ। देखा हमारी शक्ति, अभी मंत्र पूरा नहीं बोला, चड़ेल अपने आप बाहर आ गई, पकड़ो इसको। ओ बाबा जी, ये मेरी होने वाली बीवी है। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, शक्ल देखिए अपनी, बाजार से ले नहीं सकता, कीवी बनाएगा मुझे बीवी। वाह, ये कीवी की बात कर रही है, वरना ऐसी लड़कियां 50 ग्राम बेर में फट जाती हैं। कहीं मैं आपको वो ना सुना दूं जो फैमिली शो में नहीं सुना सकती। ओ, 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 बाबा जी का अपमान, बाबा जी से चूहिया बना दो, बाबा जी से मेंढक बना दो, बाबा जी इसे मेरी बीवी बना दो। अरे हम तो कहते हैं इसे एक दिन के लिए नॉर्मल लड़की बना दो यार, किसी तरह। जीजू मैं नॉर्मल लड़की हूँ, तेरे से ज्यादा लड़की तो मैं लगती हूँ। बात कर रही है बाबा जी, इधर बहुत टाइम पास चल रहा है, जल्दी कुछ करो आप। एक मिनट, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? अरे चल क्या रहा है, इसने तेरी वजह से पेड़ से शादी कर ली है, अब उस पेड़ का जो भूत है इसके पीछे पड़ा हुआ है। अरे लेकिन हम कह रहे हैं यार, भूत भूत नहीं होते। अरे जीजू ऐसे कैसे नहीं होते, मैंने देखे हैं भूत। इसने देखा है तो होते होंगे यार, क्योंकि इंसान तो वैसे भी इसे मुंह नहीं लगाते। एक मिनट, हाँ मैं अभी भी लगता है किसी की ना जादूगरी है। भाई भूतों में इतनी वैरायटी मैंने पहली बार देखी है, हमने आज से पहले 4 से 5 साल के भूत भगाए हैं। भाई इतने बड़े भूत मैंने कभी नहीं भगाए, अगर आपके पास कोई भूत भगाने का आइडिया है हमको कान में बता दो, हम भगा देंगे। बाबा अगर सच में आपको कुछ आता नहीं है ना, तो टाइम पास कर ले यार, हमारे कान का मैल निकाल दो। मूर्ख मनुष्य। बाबा जी मनुष्य नहीं, मनुष्य। एक तो हमसे मनुष्य नहीं बोला जा रहा और ऊपर से तुम हमारा मनुष्य ठीक करवा रही हो, यू आर रस्टिकेटेड। हाँ बाबा से मजाक करते हो, कार में से मैल निकाल दो, कोई टाइम होता है भाई, हम शेर से आटा निकालते हैं, उसके बाद हम अपनी मैल निकालते हैं। हाँ हाँ, बस स्टैंड के सामने 133 नंबर बस के पीछे, और 134 नंबर बस के पीछे बिल्कुल मत जाना, वहाँ बाबा जी कपड़े धोते हैं। सारा बता दो, सारा सारा बता दो उनको। 136 के पीछे हम लोग नहाते हैं, 137 के पीछे धोते हैं। वाह भाई वाह, मेरी बात सुनो, अपना ग्रुप ऑफ भूत्स, तुम लोग गलत टाइम पे आए हो, सुपर डांसर खत्म हो चुका है, अगर आप उसके रहते आते तो शिल्पा शेट्टी आपकी परफॉर्मेंस देख के सीढ़ियां चढ़ जाती और कहती सुपर से ऊपर। मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैं मंजू चुड़ैल हूँ। सुनो मेरी बात, तुम कहीं मॉडलिंग से तो नहीं आई? पर कुर्सी पे तो कोई बैठा हुआ है, फिर ये कौन है? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, बताए क्या होगा, देखना चाहते हो? वो देखो चंदू अपनी चुड़ैल को लो और दफा हो यार। अपने क्या, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है, तुम्हारे पेट से तो निकली है। मजाक बंद करो। ओहो ये हमारा मजाक बंद करा रही है, लगता है दूसरे चैनल से आई है। मैं मेरे पति को लेने आई हूँ। अच्छा, जिसने पेड़ के साथ फेरे लगा के मुझे अपनी बीवी बना लिया है। एक तो ये बात ऐसी कर रही है जैसे लड़कियां रजाई में मुंह देके अपने बॉयफ्रेंड से करती है। इसे मेरी बड़ी परवाह है, इसी ने शायद पेड़ के साथ फेरे लगा के मुझसे शादी की है। अरे नहीं नहीं मोटी बालका, हम बिल्कुल नहीं करे, हम तो ये बालक और ये बालका की शादी अटेंड करने आए थे। ये देखो हमने तो शेरवानी भी पहनी है और हमने तो लेडी संगीत का इंतजाम भी किया। वाह वाह देवर जी, मजा आ गया। ये लो
शगुन के तौर पे ये हड्डी ले लो। जरूर यही है जिसने मेरे साथ फेरे लिए थे। नहीं नहीं, मैं तो उधार के सिवा लेता ही कुछ नहीं हूँ। मुझे पता है तुम में से कोई एक है। नहीं, नहीं, यही यही वो घटिया इंसान है, यही इसी ने फेरे लिए है, यही है आपका पति। प्राण इससे पहले ये मेरा खून पी जाए, इसको शक्तियां दिखाओ। इसको पकड़ो भाई, अभी लो शक्तियां। दिखा दो, दिखा दो। हुश भाई, हुश। हमारी शक्तियां क्यों नहीं निकल रही हैं? एक को हमने कहा भी था हमको अंडे खाने को दिया करो। मैंने पहले कहा था संडा हो जाए मंडा, रोज खाऊं अंडा, पर ये हमको अंडे खाने को देती नहीं है। कभी कहती है अंडे का पीला नहीं खाना, कभी कहती है ब्रेड का व्हाइट नहीं खाना। अब करा लो शक्तियां, हो नहीं रही है, मौके पे कुछ निकल नहीं रहा है। निकल जाओ इधर से। बाबा जी माफ कर दीजिए, बाबा जी प्लीज। अरे बाबा जी, ये चुड़ैलों को छोड़ो और ये गेंडी चुड़ैल का कुछ करो। देखो चुड़ैल जी, आप इसको ले जा नहीं सकती, ये बालक मंगलीक है। कोई बात नहीं, ये जहाँ जहाँ से भी लीक है उसे मैं ठीक कर दूंगी। लेकिन अब मैं इसे लेके जाऊंगी। इधर आओ गंदे मुंह वाले बालक, डरने की जरूरत नहीं है। ये धागा रखो अपने पास, या इसके गले में पहना दो, ये डर के मारे इसके नजदीक नहीं आएगी। हाँ बाबा पास, बाबा पास। अरे वाह मंगल बाबा जी, धन्यवाद स्वामी, अब तो चलो मेरे साथ। बाबा जी आप इधर भूत पकड़ने आए हो या मेरा रिश्ता करवाने के लिए? रुक जाओ चंदू, हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। ये भूत जो होता है ना, ये आग से बहुत डरता है। यहाँ पर किसी के पास लाइटर है? लाइटर लाइटर लाइटर। हाँ 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 जी जी, ये लो। हाँ वेरी गुड। ए तुम्हारे पास लाइटर क्यों है? जलाओ जलाओ, एक चिलम जलाओ मेरे लिए। अब आई हूँ तो सुट्टा मार के जाऊंगी। काफी चरचिल्ली चुड़ैल लगती है। तेरी तो किस्मत ही खराब है, तू जिससे प्यार करता है वो चरचुल्ली, और जो भूत तेरे से प्यार करती है वो भी चरचुल्ली। जा जा चंदू, जा पी ले अपनी जिंदगी। अगर ऐसी बात है तो भूतनी भाभी को भी चार पैक मारने पड़ेंगे भाई। ये कौन सा टॉम क्रूज दिखता है? भूरी तुम कुछ बोल दो इसको, क्योंकि मैंने सुना है एक चिलम वाली दूसरे चिलम वाली की बात नहीं काटती। हाँ कहती हूँ। बोल दो, बोल। दीदी इसको खाना वक्त से डाल देना, ये अच्छा इंसान है। बाय चंदू, वी विल नॉट मिस यू। अब सीधे सीधे चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें यही खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ओ बेरहमो, मुझ पे रहम करो। हाँ करते हैं, करते हैं, कुछ करते हैं। देखिए चुड़ैल बहन, अगर आपको खाना ही है ना तो एक काम कीजिए, आप सिर्फ इसके हाथ खा लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। अरे पागल हो गया क्या? उसके हाथ खाई जाएगी तो भीख कैसे मांगेगा बेचारा। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आप ना इसके पाव खाइए, वड़ा मैं दे दूंगी, वड़ा पाव दोनों हो जाएगा। ऐसे कैसे पाव खा लेंगे? उसके नाखून देखिए कितने गंदे, ऐसे अनहाइजीनिक खाना किसी को खिलाते हैं क्या? कुछ भी बाबा जी। हाँ जी, इनसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है, आप ही कुछ कीजिए प्लीज। हमको अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है। सुनो अपना मोटी ताजी बालका, अगर खाना ही है तो इसके हाथ पैर छोड़ के बाकी सारा खा लो, क्योंकि हमारी दादी जी के घुटने नहीं ठीक है, इसकी टांगे हम उनको लगवा देंगे और इसके दोनों हाथ खुद लगा के हम और बड़े बाबा बन जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं चंदू के तंदूरी चिकन हूँ? हाथ पांव छोड़ दो, बाकी सारा खा जाओ प्लीज स्वामी। नहीं, नहीं। चलो अब हमारी सुहाग रात का वक्त हो चुका है। बाबा जी आपको अपनी चोटियों का वास्ता। अच्छा? प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है भाई, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही चुड़ैल चुड़ैल को काटेगी। भाई चलियो मंत्र पढ़ो और अंदर की चुड़ैल को जगाओ। जो हुकुम बाबा जी। दुबई से निकला तेल, बाबा जी के अंदर आ जा चुड़ैल। दुबई से निकला तेल।
चुड़ैल। बाबा जी के अंदर राजा चुड़ैल। आजा, 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 आजा। आगे मेरा शिकार खाने तू मंजू? मेरा शिकार खाएगी तू? आज तुझे चीर के रख दूंगी। अच्छा, मैंने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, ये देखो कंगन है, वो भी 50-50 तो लेके। वाह, कितनी अच्छी है दीदी, कहाँ से लिए? चोर बाजार से लिए। अच्छा। वहाँ एक ज्वेलर का भूत है, वहाँ से लिए मैंने। मेरे को दिलाओ ना। दिलाओ ना, किसी को बोलना नहीं। पहले कभी बोला? पहले कभी बोला? पहले यार, ये तो दो पिछड़ी सहेलियां मिल गई हैं। अरे तुम दोनों चुड़ैल हो के सखियां हो यार, गॉसिप वॉसिप क्या चल रहा है? बिमला चुड़ैल, ये मंजू चुड़ैल को निकालो यहाँ से। बिमला मंजू, मैं अपने पति को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। मंजू बिमला, मंजू बिमला। अरे ये कौन है? ये तो भूत पकड़ने के चक्कर में अपने जेंडर ही बदल दिया इसका। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस भूरी ने बुलाया था चंदू से छुटकारा पाने के लिए। भूरी, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बताओ तुम्हारी कमियां सबको, सबका होना निकल गया ना तो कहना। बताओ फिर, आज मैं भी तुम्हारी ऐसी बातें बताऊंगा सबकी वाह होना निकल गई तो बताना। ओ चंदू उर्फ गंदू, मुंह करो अपना बंदू, कहीं हम यहाँ पर मर के भूत बन के तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। अब भूतों से मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बाबा जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम सबका मिलकर करे उद्धार, बाबा ब्लू की जय। हाँ। लेकिन इस बात में तो सच्चाई है अर्चना जी, पहली बार हमारे मोहल्ले में एक मामले का अंत हुआ है और हम एक दूसरे के पीछे भाग नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझसे ही तनख्वाह लेती हो, मुझे ही खाओगी? अच्छा भला हम बिना भागे जा रहे थे, ये मोटे की नजर लग गई। पापा, ये चुड़ैलों का कुछ करो। भाई इन चुड़ैलों से बचने के लिए हमारे पास एक ही मंत्र है। क्या, 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 क्या? सबको मिलके बोलना पड़ेगा। हाँ, BHAGO। आज यहाँ पे एक बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। हाँ। मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ। हेलो शर्मा जी। एक मिनट, हमारे शो का बजट इतना बढ़ गया, एक ही शक्ल की दो लड़कियां लेके आने लगे। आप दोनों कौन हैं? मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। एक मिनट, कौन चिंकी है कौन मिंकी है? अरे बताया ना, मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। नहीं नहीं, मेरा मतलब इधर वाली कौन है उधर वाली कौन है? इधर उधर की बातें छोड़ो कपू शर्मा, मेरी बात सुनो। मैं आपके मोहल्ले में नई नई रहने आई हूँ, लेकिन आपका वो दोस्त क्या नाम है उसका, चंदू, मुझे रोज छेड़ता है। एक मिनट, तुम्हें छेड़ता है कि तुम्हें छेड़ता है? मुझे छेड़ता है, इसका पता नहीं। तुम लोग रिमोट पे चलती हो, कौन कंट्रोल कर रहा है तुम्हें? मुझे छोड़ो, तुम चंदू कंट्रोल करो। कल उसने मुझे देख के सीटी मारी तो मैंने गुस्से में एक चप्पल उठा के फेंकी, और इतना बेशरम है ना वो, बोलता है एक चप्पल का मैं क्या करूंगा, दूसरी फेंक दो। फिर तो उसके पास चार चप्पल हो गई होंगी। चार क्यों होंगी, मैं तो दो ही चप्पल पहनती हूँ। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब चप्पल आप दोनों ने फेंकी होगी ना? मैंने फेंकी थी, इसका पता नहीं। मैं पहली बार ना लाइफ में ग्लैमर को देख के कंफ्यूज हुआ।
एक बार बताओ तुम दोनों को एक मानती हो कि दो? मैं तो अकेली हूँ इसका पता नहीं। और हाँ खुद इतने स्मार्ट हो तो उल्लू की शक्ल वाले दोस्त रखना छोड़ दो। ओके बाय कपूर शर्मा। मैं कसम से बोल रहा हूँ मेरा एक और हमशक्ल भाई होता ना फ्रॉड कर करके दुनिया लूट लेते हम। क्या रचना जी आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं ये पिछले दो सालों में बैक टू बैक चार सुपरहिट फिल्में देख के पूरे हिंदुस्तान के दिलों पे छा चुके हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा प्लीज वेलकम वेरी हैंडसम एंड वर्सेटाइल एक्टर एंड सिंगर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान पाजी की फिल्म आ रही है आर्टिकल 15 पाजी, बहुत कमाल का ट्रेलर है, बहुत बहुत बधाई आपको। एडवांस में मेरे को पता है 200 करोड़ के ऊपर है। नहीं बंदा छा रहा है तो अच्छी बात है। आपको पता है आयुष्मान ने पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर का किरदार किया पाजी, क्या बात, कमाल लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, बहुत ही कमाल लग रहे हैं और फिल्म भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर है पाजी। ये पुलिस की ट्रेनिंग आपको क्या डायरेक्टर ने दी कि पुलिस वाले के साथ भी रहते आप थोड़े दिन? ये पुलिस की ट्रेनिंग में काफी दोस्त हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अच्छा, तो मैं उनको जानता हूँ। एक मेरे फ्रेंड है मिस्टर मनोज मालवीय। अच्छा जी, तो उनको मैंने जरा एम्युलेट किया फिल्म के अंदर। अच्छा, तो आपको आप हमें बोलते हैं अर्चना जी के साथ रख देते हैं आपको, इनका पुलिस से वास्ता पड़ता रहता है। अच्छा आपको पता है आयुष्मान ने जितनी भी फिल्में की है ना ज्यादातर यूपी या उत्तराखंड में शूट हुई हैं, मतलब शूट करने के लिए मैक्सिमम हरिद्वार गए ये। पाजी आपको अमेरिका कनाडा वाली फिल्में ऑफर नहीं थी कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है? बस अंधाधुन का क्लाइमैक्स जो है वो हमारा पोलैंड में शूट हुआ था। अच्छा, वो दो दिन बस, वो दो दिन बस, वो दो दिन कमाल के थे, बाकी सब हमने इंडिया में हरिद्वार के आगे कभी नहीं गए। तो हरिद्वार लोग पुण्य कमाने जाते हैं, बंदा 200 करोड़ कमा रहा है, वाह क्या बात है, शाबाश। अरे 200 करोड़ से याद आया, बधाई हो के लिए आपको, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अच्छा आपको पता है आपकी फिल्म का सक्सेस हमने यहाँ पे मनाया था, आपके ऑन स्क्रीन पेरेंट्स आए थे गजराज जी नीना जी। हाँ जी मैंने देखा। हाँ, आपको अभी तक उनके साथ जाने में शर्म आती है? आप आए नहीं उस दिन और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वो एपिसोड। फील, ये पता है माँ बाप वाली फीलिंग आ जाती है जब फिल्म आप शूट करते हैं, दो महीने के लिए साथ में रहते हैं, परिवार बन जाता है एक्चुअली। तो मुझे खुद शर्म आने लगी, सच में इनका बच्चा होने वाला है, मतलब। ये दिनेश पता क्या बोल रहा था नीना जी और गजराज को देख के? हाँ। बोलता है विक्की डोंट के माँ बाप ये तो किसी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एक भी फिल्म सुपरहिट होना बहुत बड़ी बात होती है। आयुष्मान ने बरेली की बर्फी, शुभमंगल सावधान, अंधाधुन और बधाई हो बैक टू बैक चार सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऊपर से द कपिल शर्मा शो में भी आ गए आप। वाओ, ये सबसे सुपरहिट शो तो ये है। आइए आयुष्मान आपका बहुत बहुत स्वागत है, बैठिए। थैंक यू, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अच्छा आयुष्मान, सबसे पहले तो मैं ना कुछ अफवाहें हैं आपके बारे में सुनी है जी, क्योंकि मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा ऑथेंटिसिटी में बिलीव करता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि जब आप आएंगे मैं कन्फर्म करूंगा, आप बताना ये सही है कि नहीं, कि सुना है पहले जब आप कटिंग करवाने जाते थे तो आईब्रो कटिंग के पैसे अलग से देते थे। ये बात सही है जी? ये बात तो नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है स्टार्टिंग में जो फिल्म एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा था जी, तो मैं ऑडिशन देने जाता था, एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी तो आईब्रोज ही नजर आ रही है, चेहरा नजर ही नहीं आ रहा आपका। कहते थे आप एक्टर नहीं बन सकते क्योंकि आपकी आईब्रोज बहुत ज्यादा है। भाई मिले नहीं वो आपको डायरेक्टर कभी? हाँ वो मिलते हैं पर ठीक है अब। लेकिन मैंने कहा मैं कटवाऊंगा नहीं ज्यादा, ऐसा मत बोलो मेरे को। नहीं नहीं अच्छे लग रहे, पहले खूबसूरत लग रहे हैं, मैं हिला भी सकता हूँ, देखो टैलेंट साथ में है उसके। क्या बात है, लड़कों की रेखा है, सुर में ही नहीं रिदम में भी है मेरा भाई, वेरी गुड। कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को आग छुरी कैंची दवाइयों से दूर रखते हैं, आप अपने बच्चों को अपनी फिल्म से दूर रखते हैं? ये बात सच है, समझाएगा कौन उनको क्या हो रहा है उसमें। एवरी चाइल्ड इज लुकिंग फॉर अ हीरो, उनको टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन वैसी फिल्में पसंद है क्योंकि वो 10 लोगों को मारते हैं या फिर जंप करते हैं। दम लगा के आयुषा में मेरा बाप मुझे चप्पल से मार रहा है, अंधाधुन में तब्बू मुझे मार रही है, मेरा बेटा डिप्रेस हो गया देखकर कि यार ये क्या है, मार पड़ रही है पापा। He was really depressed, like 3 or 4 that time. And they take it very seriously कि पापा को ऐसा कर रहे हैं। बड़े होकर जब वो बिजनेस देखेंगे ना तब उनको पता चलेगा कि हमारा बाप कितना शाना था। अच्छा ये बड़ी अजीब अफवाह, अभी कहते आप सिर्फ पिंक कलर के बॉक्सर्स पहनते हैं। जी ये क्या बात है? God. एक टाइम एक किंक था मेरा पिंक पहनने का। Not anymore. मतलब एक फेज आया था, मैं कहा यार ये पिंक बॉक्सर्स आर रियली कूल। मैं यूएस गया था, वहाँ बहुत ना उसमें कार्टून बने हुए थे बॉक्सर्स में। दिखा नहीं सकता आपको लेकिन वैसे बोल रहा हूँ। तो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, मैंने तो खरीद लिए बहुत सारे पिंक बॉक्सर्स। अभी नहीं पहनते? अब नहीं, अभी आप वो खरीदना चाहें तो सेकंड हैंड अवेलेबल है,
I mean, अगर आप anyway. Second hand. कहीं सुना है कहते आपको दीपिका पे तो क्रश था ही आपको रणवीर पे भी क्रश था. रणवीर ये सही बात है. हाँ हाँ मतलब दोनों भी क्रश है वैसे मतलब अच्छा लगता है. सही बात है होता है. तो प्रॉब्लम क्या है. नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी कपिल बहुत जेलस फील कर रहा है. नहीं जेलस कौन सा मेरे कौन सा हाथ आई वो. I admire her. I mean, we all do. I respect her. जितना मतलब, I mean, you know, मेहनत की है, talent है. ऊपर वाले ने बहुत अच्छा मुकाम दिया उनको. I'm proud of you too, पाजी. क्या बात है यार? आप कुछ कहने वाले थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दीपिका पादुकोण और रणवीर ने अपने हनीमून पे अंधाधुन देखी थी. Oh. तो क्रश सिर्फ एक साइड से नहीं है ब्रो. अच्छा लास्ट दफा आया कहते कि इंडस्ट्री में आने से पहले आप शाहरुख खान को चिट्ठियां लिखते थे कि आप सोच रहे थे कि उनसे काम मांगे. ये सही बात है. ये चिट्ठी लिखी थी मैंने. मैं तब रेडियो में काम करता था. अच्छा तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनकी वैनिटी के बाहर बैठा हुआ था मैं. अच्छा तो 6-7 घंटे हो गए उनकी एड फिल्म की शूट हो रही थी. तो बाद में पैकअप हो गया तो टाइम नहीं मिला उनके पास. बाद में किसी और दिन करना था लेकिन मैं एक चिट्ठी तैयार कर ली थी मैंने. तो चिट्ठी लिखी थी अगर अब मैं एक्टर बनना चाहता हूँ प्लीज मेरी हेल्प करें. ऐसा कुछ लिखा था मैंने. उनको दी नहीं मैंने पर वो संभाल कर रखी हुई थी मैंने. अच्छा सो स्वीट यार बचपन में ऐसी चीजें करते हैं लोग. वक्त है फिल्म आर्टिकल 15 से जुड़े कुछ और अहम किरदार और फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर मनोज पावा, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ईशा तलवार एंड फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा. मनोज सर, ईशा, अनुभव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जोरदार तालियां हमारे सब मेहमानों के लिए. मनोज सर को हमने बहुत सारी फिल्मों में, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, बहुत कॉमिक रोल्स निभाते हुए. लेकिन सर आर्टिकल 15 बड़ी सीरियस फिल्म है तो इस फिल्म से आप कैसे जुड़े फिर? सिन्हा साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं. अच्छा जी. और यही एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनको मेरे अंदर कॉमेडियन दिखाई नहीं देता. अच्छा अब ये पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है. मुझे कॉम्प्लीमेंट ही है. बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. इससे पहले मुल्क में भी बड़ा अच्छा इमोशनल रोल था. इसमें भी बड़ा डिफरेंट रोल है. इनकी फिल्म थी तुम बिन, उसमें भी एज एन एक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इनके साथ मैं काम करता हूँ. एक डिफरेंट रोल मिलता है. और इस बार तो पोस्टर पे भी. हाँ इस बार पोस्टर में भी है मेरी शक्ल. ये जो पोस्टर पे दिखने का मजा है ना ये अलग ही है. अच्छा आपकी सारी फिल्मों में ये होते हैं. आपको टैलेंटेड ज्यादा लगते हैं कि आपने लोन वगैरह लिया हुआ है इनसे? पर एक सच है, पुराने टाइम में लोन भी लिए हुए हैं. अच्छा वो वापस कर दिए लेकिन वो अभी तक चुका रहा हूँ. दोस्ती पुरानी है. ईशा का नाम ईशा तलवार. ईशा जब आप एयरपोर्ट पे जाती है तो आप आई कार्ड आधार कार्ड दिखाती है या हथियारों का लाइसेंस दिखाना पड़ता है? मैं मजाक कर रहा हूँ. अच्छा मैं आपको बता दूं कि ईशा का जन्म जो है मुंबई में हुआ है. पढ़ाई भी इन्होंने मुंबई में की, फिर इन्होंने डांस भी मुंबई में सीखा. और डेब्यू आपने किया था एक हिंदी फिल्म से, हमारा दिल आपके पास है शायद. हाँ तब मैं बहुत छोटी बहुत छोटी थी. हाँ, वो 18 साल पहले थी. देखो रिसर्च देखो हमारी. बजट देखो हमारा. हैव अ लुक ऑन द फ्रूट्स. वेरी बिग बजट शो. ऑर्गेनिक. हाँ अब ये फा है ईशा ऐसा. हाँ जी. कि इतनी सारी आपने साउथ में भी आपने काफी काम किया है लेकिन साउथ की फिल्में छोड़ के आर्टिकल 15 आपने इसलिए की क्योंकि आपको द कपिल शर्मा शो में आना था. आई मीन इट्स ट्रू. या बेब ये देखो हम लोग क्या है. मैं गोल्डन पैंट्स पहन के आई हूं. ये गोल्डन मोमेंट है लाइफ का. एग्जैक्टली. कितने तोले की है आपकी पैंट? आई मीन मिथुन दादा से पूछिए. मिथुन दा की है. अनुभव सर की जितनी भी फिल्में आपने देखी होंगी सोशल सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं लेकिन सर ये जो आर्टिकल 15 है ये टॉपिक आपके मन में कैसे आया अनुभव सर? एक्चुअली वो अखबार की हेडलाइन ही थी जो आए दिन ऐसा होता है कि दो लड़कियां यहां लटका दी गई, दो लड़कियां वहां जला दी गई. तो मुझे लगता है अपने देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जानी चाहिए. जैसे मुल्क बनाई थी मुझे लगा वो बहुत, बहुत अच्छी फिल्म थी मुल्क. थैंक यू. तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी फिल्मों के जरिए अगर एक बातचीत शुरू हो सके तो उतना काफी है. बहुत बड़ा है अचीवमेंट होगा. बहुत अच्छी बात है. आपको पता आयुष्मान ने पिछले 4 सालों में 3 फिल्में ऐसे की हैं जिसमें ये मनोज सर की वाइफ जो हैं वो इनकी सास बनी हुई हैं. पाजी इनको सेट पे देख के आपको ससुर वाली फीलिंग यार ये है. सच में सीमा जी को बिल्कुल मिस नहीं किया मैंने इनके होते हुए. अब बाला में कर रहा हूँ वहां भी सीमा जी हैं. तो मतलब या तो ये होने चाहिए या सीमा जी होने चाहिए. क्या बात, उसके बिना आयुष्मान काम नहीं करते. उसके बिना पिक्चर हिट नहीं होती. एक्चुअली
होशियार, खबरदार, शहंशाहों के शहंशाह जैसे थेवर, प्रिंस चार्ल्स के दोस्त और महारानी एलिजाबेथ के देवर, बादशाह यादव का जुड़वा भाई अच्छा यादव, लंदन से अपना हिस्सा लेने को पधार रहे हैं। दोस्तों मेरा हिंदुस्तानी भाई बहन लोग मैं आ गया। तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो आपने तक रकम मुझे क्यों बता रहे हैं? हेलो अनुभव सर, कैसा मैं? हाय हाय, हे मनोज जी कैसा? हे ईशा जी, हे आयुष्मान, हाउ यू डूइंग मैन? आई एम गुड ब्रो। एक मिनट यार, हेलो। ये कौन है एक जैकेट में दो आदमी एक सर के साथ डाल के भेज दिए? कौन है भाई साहब आप? इतना तुम बड़बड़ किया, उसको समझ में भी नहीं आया मैं कौन है, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? वापस बोलो पूरा का पूरा, अभी इंट्रोड्यूस करो। एक मिनट, पादा पामुला या होशियार, खबरदार, बच्चा यादव का छोटा। हाँ आ गया भाई। वो पहला क्यों नहीं बोला यार? और पहले नहीं समझ में आया? मैं काम का अपना अंग रक्षक के ऊपर हाथ उठा दिया। ए, चलो दुखी नहीं होने का। कोई बात नहीं। तुम जाओ अभी, मेरा हेलीकॉप्टर का पंखा चला, उसके नीचे मेरा कच्चा सुखाओ, ठीक है? मैं आता हूं थोड़ा टाइम में। ओके सर। जाओ जाओ सर। थैंक यू मैन। हमारा खर्च हो भाई। सर, मैं इधर से नहीं, मैं लंदन से आया है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। I'm from London। कपूर शर्मा, तुम अच्छा आदमी है, मैं देख लंदन से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया है, you know। साड़ी क्यों भाई? सबको पहना जाए, कभी खुद भी पहन के देखो यार। But really, man, मैं आज तक समझ में नहीं आया मर्द लोग को साड़ी पहनाने का तुमको क्या दिलचस्पी है। दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी होता है जिस जो भी होता है, तुम्हारा ही होता है ना यार। ये तू फालतू की बातें कर रहा है यार, तू है कौन? मैं शकीरा है यार, वाका वाका करके दिखाई। तीन बार बताया यार, आदमी को समझ क्यों नहीं आ रहा है यार? मैं बच्चा यादव है तुम्हारा यहाँ पे, मैं उसका जुड़वा भाई है अच्छा यादव। ये कैसा नाम है भी, अच्छा यादव? ये अच्छा नाम है यार। पर मैं तुमसे बात क्यों कर रहा है? इधर 300-400 करोड़ का आसामी बैठा, मैं उनसे बात करेगा, तुमसे क्यों करेगा? आए वह आयुष्मान जी, आई रियली हैव टू टेल यू दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर, आयुष्मान भावा। थैंक यू। ये आयुष्मान खुराना है। आपका सर नेम भावा नहीं है? इधर हर जगह बोलता है सब लोग आयुष्मान भावा, आयुष्मान नहीं है? नहीं, खुराना है? आशीर्वाद होता है। ओह माय बैड यार, खुराना है तो खुराओ यार, अब रुकेगा नहीं। खुराओ मतलब? मतलब आदमी बोलेगा खुजाना है, हम बोलेगा खुजाओ, बोल रहे खुराना है तो खुराओ, हमको क्या है यार। तुम्हारा लाइफ है यार, जो करने का करो यार, एंजॉय यार, चलता है यार। वैसे आपसे मिलके सर मेरे को बड़ा खुशी हुआ है। मैं बहुत ये मेरा लकी है कि लकी को क्या बोलता है यार हिंदी में, वो जो किस्मत नहीं, 100 रैन अवे को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? 100 रैन अवे, 100 भाग गया, मेरा 100 भाग गया। मेरा सौ भाग गया है, पकड़ के लाओ उनको, भाग गया तो सर, मैं भाग गया सर। बाद में लेके आएगा, लेकिन मेरा सौ भाग गया है कि मैं आपसे आज मिला, तभी तो मैं दौड़ता हुआ इधर व्हाइट विलेज में आपसे मिलने आया है। व्हाइट विलेज मतलब? व्हाइट मतलब गोरा, विलेज मतलब गांव, गोरा गांव नहीं है क्या ये? ये आदमी एक है, इसको सब समझाना पड़ता है लिख लिख के, पता नहीं यार समझता ना एक टाइम में यार। कोई बात नहीं यार, ईशा जी। जी जी, मैं आपको लाइक गिफ्ट लाया है। ओह या, व्हाट इज इट? इट्स अ लवली गिफ्ट। व्हाट इज? या ये आप इसमें रह भी सकता है। रह? ये देखो। ओह नहीं, आप तलवार है ना, आपको मयान में रहना चाहिए।
लेकिन मैं आपको बोल रहा है इसको लेके घर मत जाइएगा. क्यों? क्योंकि एक मायान में दो तलवार नहीं रह सकते. लेकिन यार कपूर शर्मा मेरे को आज तक ये बात समझ में नहीं आया. एक सलवार में दो टांग रह सकता है तो एक मायान में दो तलवार क्यों नहीं रह सकता है यार? तो लंदन में रहता कहाँ है अच्छा यादव? मैं लंदन ब्रिज मालूम है तुमको? हाँ पता है. उसका नीचे चार चर्सी लोग बैठता है. उनसे जाके पूछो मैं किधर रहता है. कि जब मैं भी भूल जाता मैं उन लोग से ही पूछता है यार. मैम सॉरी सर एक फोन आया. सॉरी अटेंड. सर प्रिंस चार्ल्स का फोन आया. दोस्त है मेरा. ये प्रिंस क्या चार्ल्स रहा है? क्या मम्मी जी का घुटना में दर्द है? तो उनको बोलो जैतून का तेल लगाएगी. नहीं जैतून का मिथुन का तेल नहीं. ऑलराइट. और प्रिंस हैरी को बोलो कि उनके लिए गौमूत्र में लेके आएगा इधर से. या फ्रॉम द सेम गाय. नहीं नहीं आदमी का नहीं गाय मतलब इधर काउ को गाय बोलता है. उनको लग रहा है कि हमें गौमूत्र ला रहा है. ऑलराइट सॉरी यार माय बैड. प्रिंस चार्ल्स को जानते हो? जानती हूँ. अभी मैं प्रिंस विलियम का अभी शादी हुआ. मैं बताया कि उनका बुआ किधर बैठेगा ताऊ किधर बैठेगा. प्रिंस विलियम हनीमून पे किसके साथ जाए मैं बताया. किसके साथ जाए? अबे हनीमून पे तो बीवी के साथ जाते हैं. वो तो ऐसा शर्मा टाइप का लोग बीवी के साथ जाता है. वो प्रिंस है यार. वो किसी के साथ भी जाता है. उधर चलता है यार मेरा कंट्री में. तो लंदन में तुम अकेले रहते हो? नहीं नहीं यार अभी बहुत सारा अंग्रेज लोग आ गए हैं उधर. मेरा मतलब है आपकी फैमिली का कोई रहता है उधर? हाँ हाँ रहता है. मेरा दो बहन है मेरा चार जीजा है हम लोग सब साथ में रहता है. ये दो बहन है चार जीजा कैसे मतलब? तुम्हारा एक शो पांच स्पॉन्सर होता है मैं कुछ बोलता ही गया. मेरा दो जीजा का सर अभी शादी नहीं हुआ है. जैसा ही उनका शादी होएगा तो मैं उनका बीवी को बहन बना लेगा तो हो जाएगा यार. चार बहन चार जीजा व्हाट्स द प्रॉब्लम. लंदन में काम क्या करता है अच्छा तुम? ये तुमने एक पहली बार महत्वपूर्ण सवाल पूछा. इधर उधर का बात करता है. मैं अभी बताया लंदन में मैंने इंग्लिश सीखना सीखो का क्लासेस शुरू किया. इंग्लिश सीखना सीखो मैं इंग्लिश का क्लासेस मैं उधर शुरू किया. लेकिन मेरा आश्चर्यचकित देखिए सर आप. क्या? उधर उन लोगों को पहला सा इंग्लिश आता था. मेरे से पहले कोई उधर जाके उन लोगों को इंग्लिश सिखाया. मैं यार लेकिन हिम्मत नहीं हारा सर. अब मैं इंडिया आया मैं इधर सबको हिंदी सिखाएगा. यहाँ पे सबको हिंदी आता है? Are you serious? आता है? हाँ. ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? यानी कि कोई इधर भी आके हिंदी सिखा के गया सबको? हाँ. ये कौन है यार जो मेरे पेट पे लात मारने पे लिब्रा हुआ है? मतलब लिब्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं? तुला तुला. कौन है जो मेरा पेट पे लात मारने पे तुला हु? यार लाइफ है यार. बट सर मैं आपको सच बताएं मैं अभी इंडिया में जैसे आया ना सबसे पहले मैं उधर गया अपना वो एक प्रदेश है वो कोई किसी के ऊपर चढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं कि नीचे उतर 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 प्रदेश. मैं उत्तर प्रदेश गया सर. उत्तर प्रदेश में आई कांट बिलीव इतना ज्यादा गर्मी है मैम. इतना गर्मी है. गर्मी में लोगों का नाक से खून निकलता है. उधर लोगों का मुंह से खून निकल रहा था. सीरियसली खून कैसे? अरे इतना खून मुंह से निकल रहा है लोग बात नहीं कर पा रहा. अबे ससुर का नाटी ऐसा बात कर रहे हो? फिर इधर उधर हर जगह खून छूट रहा है. वो लगा खून 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 खून. अरे वो पान खाया होगा उन्होंने. पान खाया? हाँ. तो अभी मैं सोचू सर एक का हाथ पकड़ में उसको अस्पताल लेके जा रहा है वो मुझे क्यों पीट रहा है यार. मैन वही देख मेरा तो एकदम हैरान निकल गया. मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए था फ्रॉम आयुष्मान जी. हेल्प मतलब आपका सहायता चाहिए था. मेरे को किसी को उसका हक दिलाना है. एक आदमी को. किस आदमी को हक दिलाना है? सिद्धू जी को. नहीं
आप गलत समझ रहे हैं, टेंशन मार रही है, उनका अमृतसर में एक प्लॉट का कुछ प्रॉब्लम है उधर। ना ना, आपका नाम का तो सुपारी वो कब का दे चुके हैं। तो मजाक कर रहा है, मैं मजाक कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए बात बात में कैसे मैंने सबका हंसता निकाल दिया। हंसता नहीं, हंसी होता है। हाँ तो हंसो यार, तीन दिन का जिंदगी है, हंसो, एंजॉय करो। तीन दिन का कौन बोलता है, चार दिन की जिंदगी बोलते हैं लोग। मैं लंदन से आया यार, उधर रात लंबा होता है, दिन छोटा होता है, उधर तीन दिन का जिंदगी है। वैसे सर मैं आपको बताएं, मैं और भी काम करता हूं, आई एम अ प्रोफेशनल जोशीटी। क्या? मैं प्रोफेशनल जोशीटी है। ज्योतिषी? सेम है यार, जो भी है। मैं आगे का बताता है यार, मैं सर आपका हाथ देके आपको बताएगा। Give me a chance. अब ध्यान दिया, आपका हाथ उल्टा है। हा? मेरा अंगूठा इधर से बाहर आ रहा है, आपका इधर से बाहर आ रहा है। ये है उल्टा हाथ। लेकिन ऐसा घबराने का नहीं, उल्टा हाथ वाला लोग लकी होता है, वो बहुत दानवीर होता है, वो देता है बहुत। तुम सुना होगा ना, मैं उल्टे हाथ का देगा तुमको। अच्छा। वो लोग बहुत देता है, अच्छा बात है। और आपका हाथ दिखाइए सर। 300 करोड़ तो करेगा आपका पिक्चर, लेकिन मैं अगर आपको एक उपाय दे तो आपका फिल्म 1000 करोड़ भी कर सकता है। कैसे? 700 करोड़ अपना जेब से डालो यार। बड़ा चलता रहता है यार ऐसा, लेकिन अच्छा है आपका हाथ में ना, ब्राइट है भविष्य। सर मैं आपका हाथ देखेगा, मैं हाथ देके बताएगा आप क्या सोच रहे हैं। क्या? क्या आप ईशा जी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, सोच रहा है कि भविष्य में कितना आगे बढ़ेगी एक्ट्रेस, वो बहुत ऐसा प्रोग्रेस करेगी, वो सोच रहा है। हाँ, वो... मैं बचा लिया आपको, वैसा ऐसा मत सोचो। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं, नहीं सोचने का, छोड़ो छोड़ो अभी। मैम आपका हाथ में देख सकते हैं, ये तो वही हाथ है। कौन सा? मेरा माँ ये हाथ ढूंढ रहा है कभी से मेरा शादी के लिए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो आप मुझे अपना पाठी बना सकते हैं। एक मिनट सर, हाथ दिखाइए सर। देखिए सर, सर ऐसा दायित्व है आप देखो, जोशीटी लोग होता है वो सब ऐसा 5 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा बड़ा बड़ा चीज बताता है, मैं आप 10 सेकंड के बाद क्या होगा वो बताएगा आप। क्या? ये नॉर्मल जोशीटी नहीं करता है, मैं करता है। अभी 10 सेकंड के बाद आपके मुंह से निकलेगा नहीं। सर मुझे अपना अगला फिल्म में हीरो ले लो ना। प्रूफ कर दिया, इसको बोलते हैं जोशीटी। एक मिनट सर, वापस मेरे को एक फोन आया है। हेलो, ये ओ क्या बात कर रहा है? मैं आ रहा है सर, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड, वो अपना ट्रंप का बिना निकल गया है यार। उनका ट्रंप पीछे रह गया है, वो आगे निकल गया है, तो मेरा जिम्मेदारी है उनका ट्रंप उन तक पहुंचाने का, मैं अभी जाएगा। हेलो, अच्छा एक काम करो, मेरा जेट निकालो। नहीं नहीं, वो प्लेन वाला नहीं यार, मेरा बाथरूम का जेट अटक रहा है, उसको निकालो, मेरा बाथरूम जाएगा। हाँ सर मेरे को जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, आई विल सी यू, मेरे को काम पे जाना, थैंक यू सर, आई विल सी यू। अच्छा आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 जो है वो एक स्पेशल कानून के बारे में है। हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप कोई भी अपनी मर्जी से एक कानून बना सकते हैं, तो आप कौन सा कानून बनाएंगे? आप अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब, वाओ, द कपिल शर्मा शो वाली टी शर्ट ये कहाँ मिलती है? सर कपिल पाजी, हमने ये आपके शो में आने के लिए स्पेशली बनवाई। बाय गॉड, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। कहाँ से आए सर आप? सर हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? और ये मेरी सिस्टर इन लॉ मलेशिया से साथ में स्पेशली आई हैं शो के। अच्छा जी, मलेशिया से, ओके, नमस्कार, वेलकम। और ये जो इस तरफ बैठी हुई हैं, ये मेरी बिटिया है। अच्छा जी, हेलो जी, वेलकम। बड़े यंग हैं आपके पापा यार, आप बेटी हैं। मेनी पीपल कॉल हिम एज माय ब्रदर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये उस तरफ जो बैठी हैं, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम साहब हैं जी मेरी। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, मैं ऐसा है कि एक जो रूल बनाना चाहता हूँ जी, वो अपने घर से ही शुरू करना चाहता हूँ।
अच्छा, जो मेरी मेम साहब है ना, हाँ जी, वो मेरे को कहती है जी मैं 6 दिन हफ्ते में खाना बनाती हूँ, हाँ तो मैं बोर हो जाती हूँ। अच्छा, तो उसने के रूल बना दिया है कि जी मैं हर संडे बाहर का खाना खाऊंगी और आपको लेके जाना है। ये तो अच्छी बात है। तो मैंने अब एक रूल बनाना है जी, उसमें आपकी हेल्प चाहिए कपिल पाजी। मेरी क्या हेल्प, मैं बनाऊँ आगे? नहीं जी नहीं, खाना प्रमोट करना है जी आपने इस रूल को। हाँ जी। कि जी जैसे अब ये कहते हैं जी 6 दिन में खाना बना के बोर हो जाती हूँ। हाँ जी। तो मैं भी तो सर 6 दिन देख देख के बोर हो जाता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ जी सैटरडे को मेरे को भी परमिशन मिलनी चाहिए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जाके मिलूँ, ये मेरा एक रूल होना चाहिए। अरे अनुभव अग्री कर रहे हैं। रिस्पेक्टफुल ये बात बीवी के सामने बोल रहे हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कमाल की बात है वो हंस भी रही है, स्माइल भी कर रही है। ये तो इन्होंने बीच में बेटी बिठाई हुई ना, अगर नहीं तो ऐसी जगह पे चूटी काटती ना आपके, 1.5 इंच मांस निकाल लेती आपका। 1.5 इंच आपका लिवर बाहर से निकाल लेना था इन्होंने। ऐसे ऐसी डिमांड नहीं रखते सर। वैसे बात मेरे को भी अच्छी लगी थी, बात इतनी बुरी नहीं। आपने नाम नहीं बताया सर अपना। राकेश कुमार। राकेश जी क्या करते हैं आप दिल्ली में? सर मैं सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। बात आपने बड़ी हार्डवेयर की है, अब आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। दिल्ली तक आराम से जाइएगा, हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त? जी जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। मेरा एक रूल है लाइक कि जैसे लेडीज होती हैं उन लोगों के लिए इंप्लीमेंट करना होता है कि आपको सिंदूर कैरी करना है और मंगलसूत्र आपको वेयर करना है, ऐसा बॉयज के लिए क्यों नहीं है कोई रूल? आदमी की शक्ल से पता चल जाता है। नहीं पता चलता। मतलब अभी आयुष्मान सर को देख के कौन कह सकता है कि वो मैरिड है, क्या उनके बच्चे हैं? बताइए आप। नहीं नहीं वन सेकंड, तो मेरे को देखकर कौन कह सकता है मैं मैरिड हूँ? आपके पति को देख के तो कह सकता ना कोई कि भाई ये बहुत ज्यादा मैरिड है। बहुत ज्यादा मैरिड, 5-6 किलो मैरिड है। आपकी शादी हो गई? नहीं। आपका नाम क्या है? श्रुति। श्रुति, ये कानून क्यों लाना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जैसे फेसबुक प्रोफाइल पे देख लिया मेरे को एक लड़का बहुत अच्छा लगा, मैंने उसे डेटिंग के लिए अप्रोच किया कि चलो बात करती हूँ इससे, बाद में पता चलता है कि उसका बच्चा है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ ऐसे? उनके लिए भी एक टीका होना चाहिए। बोल रहे उनके लिए भी कोई टीका होना चाहिए, वो टीका अगर उसको धोखा देना ही, वो टीका निकाल के रख देगा और तुमको मिलने आ जाएगा। एक्चुअली कितने यहाँ पे आदमी लोग जो सहमत है इनकी बात से कि आदमियों को भी लाल टीका लगना चाहिए? कोई है इधर हाथ खड़ा करे? कोई नहीं है श्रुति। और कितनी औरतें हैं जो उनकी बात से सहमत हैं? सारी सारी सब सारी। देखो ठीक है यार, कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक इट्स फाइन, होना चाहिए। आदमी को सिंदूर लगा लेना चाहिए, आदमी को भी सिंदूर नहीं टीका, वो बहुत क्यूट लगेगा। टीके के कलर पे थोड़ा क्यूट भी लगना है। रेड रेड रेड। अच्छा क्यूट भी, शादीशुदा टीका होगा, क्यूट लगाना आपको उसको। क्यूट तो लगना चाहिए ना, तभी तो सेलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी किसी को। देखो अगर आप टीके के बाद क्यूट आपको लग रहा है फिर तो आपको फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बिना टीके आप एक काम करो, पूरे भारत में जो आपको पसंद है उसको लेके आप चले जाओ, पता क्यों बाकियों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन जाऊं कहां, ये भी तो प्रॉब्लम है, कहीं भूटान नेपाल श्रीलंका कहीं पे नहीं, पता क्यों? आप इधर रहेंगे आप बाकियों को भी खराब करेंगे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूं, पर अच्छा था आपका आइडिया वैसे। चलिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपको कोई फ्रेश पीस मिले आपको। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखने चाहते हो? जी 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 आइए। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। हेलो, इधर जल्दी जल्दी हेलो, कहीं जाना है? आराम से बोलिए जी। सर मेरा नाम शुभम सिंह है। शुभम सिंह? शुभम सिंह, शुभम शुभम। अच्छा मैं कहा चुभन सिंह क्या नाम हुआ। अजी शुभम कहाँ से आए शुभम? मुंबई से ही हूँ सर, अंधेरी। अंधेरी से आए? अच्छा जी सर, अभी भी अंधेरा है, ठीक हो। अच्छा आज फिर शुभम क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा एक ये है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो लड़कियां जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं डालती है। हाँ जी मैडम, तो ध्यान दीजिएगा जरा श्रुति जी। सही बात है, ये देख सकते हैं, ये तो गलत बात। सर मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे। ओ, मैं तब तुम्हें क्या बताऊं। ये सबके साथ हुआ है। बड़ा सही पॉइंट पकड़ा। अच्छा एक बार मैंने बहुत अच्छी सी एक लड़की ने इतनी अच्छी फोटो लगाई थी, दीपिका पादुकोण से भी अच्छी। ये ना ये एंजल प्रिया के नाम से है, ये ऐसी बहुत सारी मिलेंगी, एंजल प्रिया, स्वीटू क्यारा, ऐसी बड़ी बड़ी है लड़कियां। देखो कितनी रिसर्च की है इस पर, इसको देखो। पहली पहली की बात है। तो सर मैं यही चाहता हूँ कि बस ऐसा कानून बन जाए कि लड़कियां अपनी ओरिजिनल फोटो लगाएं, ना कि दूसरे हीरोइन। देश में 70% फेसबुक अकाउंट तो वैसे बंद हो जाएंगे। ओरिजिनल फोटो है, हाँ बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल। आपके साथ क्या हुआ शुभम ऐसा? वही सर बताया अभी मैंने, जो मिलने गया था तो फिर आगे क्या, लड़की निकली नहीं।
लड़का निकला? लड़की भी नहीं निकली. लड़का मतलब जो लड़की वो निकली. लड़की वो निकली सर, लेकिन वैसे नहीं थी जैसा उसने बहुत अच्छी से फोटो लगाई थी. तो फिर आपने कुछ बोला उनको? मैंने कुछ नहीं बोला, बस मुड़ के चला निकल गया देख के. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू शुभम. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम कुछ कहना चाहती हैं? नमस्कार कपिल जी, मेरा नाम जया मेहता है. जी जया. बेसिकली मैं एक छोटे से गांव पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ. अच्छा. और वहाँ की सबसे बड़ी समस्या अभी वहाँ की नहीं, सारे पहाड़ों की समस्या है कि वहाँ जंगलों में काफी आग लग रही है. अच्छा जी. और उसको बुझाने के लिए ज्यादा कुछ सरकार नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारे जंगल बिल्कुल खत्म हो गए हैं. और आपने देखा होगा दिल्ली में 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया है. तो मैं चाहती हूँ कि सरकार कोई ऐसा रूल निकाले कि जैसे फिलीपींस में अभी एक न्यूज आई है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट तभी होंगे जब वो 10-10 पेड़ लगाएंगे. बहुत अच्छी बात है ये. तो मैं चाहती हूँ कि हमारा भी ऐसे कोई रूल हो कि ये बहुत ही खूबसूरत बात कही. और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं. मैं तो अपने बर्थडे पे भी पेड़ लगाता हूँ. हम लोगों ने अभी एक हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के सुधीर भाऊ, तो उन्होंने कैंपेन चलाया था 1 करोड़ पौधे लगाए गए. और एक्चुअली बड़ा बड़ा अच्छा मुद्दा छेड़ा आपने. सो एक न्यूज़ मैंने सुनी थी, एक लेडी थी साउथ से, 100 साल से ऊपर की उम्र हो गई, लेकिन बहुत साल पहले उनके कुछ बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, लेकिन वो बच गई किसी तरीके. और उन्होंने पता नहीं कितने लाख पेड़ अडॉप्ट किए, उन पेड़ों को लगाया, उनको पाला पोसा. आज साउथ में बहुत ज्यादा तादाद में उन्होंने पेड़ लगाए. और सरकार से तो हमारा ये निवेदन है ही, लेकिन साथ साथ जितने भी लोग इस समय टीवी पर देख रहे हैं, हमारा आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं. और अगर हम लोग ये जिम्मेदारी जो है इंडिविजुअली उठाएंगे, तभी हमारे जो आने वाली जनरेशन हैं वो पूरा उसका चीज़ का मजा उठा पाएंगे. हो सकता है आने वाली समय में ऐसी चीज़ हो जाए कि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन भी ना मिले. तो ये मैडम ने बड़ा अच्छा मुद्दा जो है उठाया है. थैंक यू सो मच. बैठिए प्लीज. हाय कप्पू, कैसे रे? मैं ठीक रे. मेरे जैसा बात मत करना. तेरे जैसा कब करते हैं? तेरी जैसा. बहुत बहुत मुबारक हो रे. किस बात? हमारा शो 50 एपिसोड के ऊपर चला गया. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. बहुत टाइम के बाद 50 एपिसोड के ऊपर देखे लिए मैं. वरना इसी चैनल पे मेरा भी एक शो आता था पहले. मेरा भी शो कोई खराब नहीं था. मीडिया का प्रॉब्लम है सर. अच्छा. हाँ, ये मीडिया वाले शो चालू होता है ना. हाँ. तो सिर्फ 1-2 आर्टिकल लिखते हैं, और जब बंद होने वाला होता है तो 14-15 आर्टिकल लिखते हैं. हाय आर्टिकल 15. कैसा लगा सर मेरा क्रिएटिव? बहुत बढ़िया, कमाल. कैसे मैं जोड़ी ना आर्टिकल 15 से इधर आर्टिकल 15 से. बहुत बढ़िया है ना. बोलने में 2 मिनट जाता है, बनाने में 1 महीना जाता है, मालूम है सर. सर महीना कहाँ लगता है, हफ्ते में 2 बार तो आता है शो. अच्छा, सब बता दे इन लोग को ताकि ये लोग भी शो खड़ा कर दे. बोल. बता दे. फिर तू और मैं नाला सुपारा में दुकान खोल के बैठेंगे उधर. हाँ सच्ची में. हाय कैसे? अरे सर कैसे? अरे मनोज पावाई जी ने. अरे सर आपको सनी देओल जी खंड लेके ढूंढ रहे. क्यों? अरे उन्होंने बोला ना, उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा. तो खंड तो उनके पास है, पावा तो इधर बैठे. आयुष्मान कैसे? आपकी पिक्चर आ रही है, बधाई हो. अरे बधाई हो नहीं, आर्टिकल 15. तो नहीं, एडी नहीं, मेरे को मालूम है आर्टिकल 15 के लिए बोल रही है, बधाई हो. अच्छा अच्छा भैया. अच्छा, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वन थिंग. इज ये पिक्चर हिस्टोरिकल पिक्चर है क्या? नहीं सर. क्यों नहीं? मैं पेपर में पढ़ी थी कि इन्होंने तलवार के साथ काम किया है पिक्चर में. अरे ईशा तलवार हीरोइन है उनकी. अच्छा आप तलवार है? जी जी जी. ओ, तो आप शूटिंग के बाद घर पे जाती थी कि मयान में जाती थी? ये बात पहले भी बोल के गया है. हाँ. अच्छा ज्यादा बोल के गया है. हाँ. वो जाड़िया ना मेरा रिहर्सल देखता है, मेरी सारी बातें करके मेरा के बोल देता है. बहुत शाना है वो जाड़िया का. मैं उसका रिहर्सल देख के उसके सारे पंच बोलेगी इधर आके, तू देखना मेरे. लेकिन सच्ची बोलती है, आपकी जो पिक्चर थी बधाई हो यार, तब मैजिकल पिक्चर थी वो. क्या मैजिक था उसमें? अरे इनके पापा मम्मी को कविता सुनाते हैं और घर में मेहमान आ जाते, इससे बड़ा मैजिक क्या हो सकता है. हाँ तो वो फिल्म थी ना, वो कहानी के हिसाब से वैसा. अरे लेकिन उस वजह से नाला सुपर में कितना प्रॉब्लम है हम लोग को मालूम है. क्या?
35 35 साल के लौंडे मम्मी और डैडी के बीच में सोने लगे आजकल। वो लोग को बहुत घबराहट होती है कि कहीं मेरे पापा मम्मी को कविता ना सुना दे। बेचारे इस चक्कर में खुद की गर्लफ्रेंड को कविता नहीं सुना पा रहे, मालूम है। खैर आपको मालूम मेरा जो चावा है ना मुकेश, पता है मैंने उसको गंदे हाथों पकड़ लिया। गंदे हाथों? रंगे हाथों होता है? नहीं नहीं, हमारा डुक्कर वॉशिंग सर्विस है ना उधर, यू नो पिग, ऐसे पिंक कलर के रहते, उनको धोने का काम है हम लोग का, तो वो उसके हाथ गंदे ही रहते हमेशा। अच्छा। मालूम है वो डुकरी जा रही थी उसको छेड़ रहा था। क्या बोला? वो आयुष्मान का गाना गा रहा था उधर, कितने चली ये मोरनी बनके मोरनी बन। मैं पकड़ ली, मैंने बोले क्या कर रहे ला इधर, हाँ? तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे को सुअर में तू नजर आती है। ऐसा बोला वो मेरे को। तो मुझे तो कह रहा था तुम में सुअर नजर आता है। अच्छा। हाँ? एक कप्पू मेरे को बात बता। हाँ? ये तू टच स्क्रीन फोन जो रहता है फिंगरप्रिंट, वो तू यूज करता है? हाँ? तो उसमें उंगली करना, मेरे को कहकर उंगली करना। मेरे को इधर धंधे की बात करने दे, अभी मेरे को बैठने दे। आ जा, बैठ जा। हाँ, अरे क्या कर रहा? सर मेरा इधर काम है, मैं इधर सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है मैं, तो वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज। हमारा एक है आर्टिकल मसाज। इसमें इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहता है, मेरी दोस्त में आरती है, उसको मैं बुलाती है। अच्छा। आरती आती है और तेल लगा के चली जाती है। फिर तो कस्टमर बोलता है मसाज किधर है, मैं बोलती है आरती कल आएगी। ऐसा रे। आपके लिए भी स्पेशल मसाज है सर, अनुभव मसाज। अच्छा, अनुभव मसाज, इसमें अनु आती होगी और भाव करके चली जाती होगी। ये क्या बकवास है, ऐसा नहीं रहता है। हाँ? उसमें भाव आके अनु की मसाज करेगा। ऐसा ऐसा हम लोग का रहता है सर। तो जब भी आना रहेगा सर बताइए हमारे। आप सब जानते ही हैं आयुष्मान कितने अच्छे सिंगर हैं, आप भी जानते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो आर्टिकल 15 में भी आपने गाना गाया ना पाजी? हाँ जी। वही सुनाओ पाजी। ओके, स्टैंड एंड सिंग। ब्यूटीफुल पाजी। थैंक यू सो मच पाजी। एक बार आर्टिकल 15 की पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। मैम प्लीज, आपके पास है, आइए पाजी। आइए नजदीक आइए। वाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। एक बार जोरदार ताली आर्टिकल 15 टीम के लिए। आयुष्मान पाजी, थैंक यू पाजी। थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.